Triangle. नमस्कार नमस्कार। लेन देन न्यूज चैनल में मैं दिनेश महेश्वरी बीके जेटली साहब आपका स्वागत करता हूं। आप श्री राम रेंज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो जेटली साहब, शुरुआत में हम ये जानना चाहेंगे कि जिन दिनों में फैक्ट्री कुछ गर्दिश में आ गई थी, उस समय क्या ऐसे प्रयास हुए कि आज देश विदेश में इस फैक्ट्री का, इस कंपनी का नाम चल निकला। दिनेश महेश्वरी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने एक डिजिटल न्यूज़पेपर शुरू किया लेन देन के नाम से, जो बिज़नेस और बिज़नेस की सारी एक्टिविटी को कवर करता है। आपने एक बहुत ही नेक प्रयास किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि इस आपका ये वर्क है आगे बढ़े और इसको बहुत लोगों तक पहुँचे, जो आपका प्रयास है सबको उसका लाभ मिले। आपने सवाल किया, सबसे पहले मेरा नाम वीके जेटली, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फैक्ट्री हेड हूँ श्री राम रेंज में। मैं पिछले 8 वर्षों से इस प्लांट को का इंचार्ज हूँ। मैं DCM श्री राम ग्रुप में पिछले 42 वर्ष से हूँ। मैंने 3 जनरेशन ऑफ श्री राम के साथ कार्य किया हुआ है, अभी 4th जनरेशन के साथ कार्य कर रहा हूँ। मैंने भरत राम जी के साथ, चरत राम जी के साथ, बंसीधर जी के साथ, अभी आलोक श्री राम के साथ मैं काम कर रहा हूँ और उनकी पुत्री कनिका श्री राम भी इंडक्ट कर रहे हैं। तो अभी 4th जनरेशन के साथ मैं अब कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैंने इस श्री राम रेंज में, मेरे को कोटा में आज 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। और इस 25 वर्ष की अगर मैं देखूं तो 8 वर्षों से तो मैं प्लांट हेड और वाइस प्रेसिडेंट और इंचार्ज हूँ इस पूरे कॉम्प्लेक्स का। इससे पहले मैं कॉमर्शियल, जनरल मैनेजर कॉमर्शियल था। तो उस पीरियड में अगर हम देखें, अगर हम, मैंने यहाँ पर 92 से लेकर के आज तक 2017 तक की जो हमारी जो वो रही, हम पहले 1965 में श्री राम रेंज ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया और उस समय हम डोमेस्टिक मार्केट को ही वो करते थे। क्योंकि क्या होता था है कि एक हमारा जो प्रोडक्ट है ये टेक्निकल टेक्सटाइल है, ये रेयन टायर कॉर्ड है, जो ऑटोमोबाइल्स टायर होते, जो टायर आपका कार में और गाड़ियों में लगता है वो ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कलर का मतलब तो रबर होता है। रबर की अपनी कोई ताकत नहीं होती, ताकत के लिए कोई ना कोई फाइबर जरूरी होता है। तो देर आर 3 फाइबर्स नोन टू द मैनकाइंड, नायलॉन, रेयन एंड पॉलिएस्टर। वी आर इन अ रेयन बिजनेस। मैं आपको जरूर महेश्वरी जी एक चीज बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में रेयन टायर 1985-86 के बाद रेयन टायर बनना बिल्कुल बंद हो गए। उसका कारण था कि नायलॉन जब आया तो नायलॉन टायर कॉर्ड के अंदर में 3 खासियत होती है। एक, नायलॉन जो सुपीरियर होता है एज कम्पेयर टू रेयन, कि उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। दूसरा, वियर एंड टेयर नायलॉन का कम होता है। तीसरा, जो इसकी जो सस्ता भी होता है। तो हम हिंदुस्तानियों को क्या चाहिए, सस्ती चीज़ हो, हमारी टूटी फूटी सड़कें हमेशा रहेंगी और कोई भी ट्रक वाला है 9 टन की जगह 15 टन 20 टन माल लेके जाएगा। तो इन 3 कारणों से बेसिकली रेयन का जो टायर बनते थे 1985 के आसपास आते आते पूर्ण रूप से समाप्त हो गए। और इसका ही अगर दूसरा पहलू देखें तो रेयन जो है इसकी अपनी क्योंकि हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये हाई स्पीड, जहाँ पर रोड बढ़िया होगी, कोई स्पीड की लिमिट नहीं होगी और आपको एक सुविधा होगी तेज गाड़ी चलाने की, तो वहाँ पर रेयन प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू नायलॉन। तो आज जितनी भी हाई स्पीड हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स हैं या जो कॉस्टली व्हीकल्स हैं या हाई वैल्यू लाइक फरारी है या लिमोजिन है या फार्मूला रेस कार है, वहाँ पर रेयन का यूज़ होता है। तो श्री राम रेंज में हम लोगों ने जब ये कारखाना शुरू किया तो 1962 में लाइसेंस मिला, 62 में राजस्थान गवर्नमेंट ने ज़मीन दी हमको वो लगाने के लिए, गवर्नमेंट की स्कीम थी। तो 1965 में प्रोडक्शन शुरू किया, बीच में उतार चढ़ाव चलते रहे और उस समय मैं ऐसा कहूँगा 60 से लेकर के करीब 90 तक का जो दशक था उसमें क्वालिटी वॉज नॉट ए इशू। मतलब किसी को क्वालिटी आप जो दे दो ले लेता था, क्वालिटी के बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी। तो
तो क्वालिटी कॉन्शियस हम हिंदुस्तानी लोग नहीं थे। 90 के बाद जब हमारे पास वैरायटी आई है और बहुत सारी चीज़ें आई हैं तो लोगों ने क्वालिटी पर फोकस किया और क्वालिटी की रिक्वायरमेंट कस्टमर की बढ़ी और कस्टमर ये मानने लगा कि वैल्यू फॉर मनी, आज मैं जो पैसे खर्च करता हूँ उसके मुझे पूर्ण रूप से उतना प्रोडक्ट मिले, उतने पैसे मिले। तो फिर हम लोगों ने फिर 88 में, फिर हमने जब 86 से 88 तक ये प्लांट बंद रहा, डेढ़ वर्ष पौने दो वर्ष करीब प्लांट बंद हुआ। इसके पॉलिटिकल रीज़न थे, यूनियन थी, ट्रेड यूनियन थी, और जब एक प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, किसी की सेल नहीं है, तो उस पीरियड में एक यूनियन के द्वारा एक डेढ़ वर्ष तक इस प्लांट को बंद कर दिया गया, उन्होंने बंद कर दिया। फिर धीरे से हमने दोबारा शुरू किया और फिर हमारे श्रमिकों को जब पता लगा कि कोई गो स्लो स्ट्राइक लॉकआउट कोई सलूशन नहीं है, तो 88 में उन्होंने पुरानी यूनियन के सब लोगों को बाहर करके अपनी खुद की व्यवस्था करके बिना किसी पॉलिटिकल यूनियन के एक यूनियन बनाई जिसने अपना कार्य शुरू किया। तो 89 से हमने जब कारखाना 25 जनवरी 1989 में शुरू किया था, उसके बाद से हमने शुरू किया। तो धीरे धीरे करके हमने जितना, अब डेढ़ साल अगर दो साल कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा तो उसके सारे कस्टमर समाप्त हो जाते हैं। फिर वो पूरा कस्टमर बेस डेवलप किया, हिंदुस्तान ख़त्म हो चुका था, तो हमने वर्ल्ड के टायर कंपनीज़ को सबको अप्रोच किया। जैसे आज हमारे जो वर्ल्ड की चार बिगेस्ट कंपनियाँ हैं, जैसे ब्रिजस्टोन ग्रुप है, पिरेली ग्रुप है, कॉन्टिनेंटल ग्रुप है एंड गुडियर ग्रुप है, तो इन सब लोग मिला करके ये चारों टायर कंपनियों के करीब 50 से 60 प्लांट पूरे वर्ल्ड में, चारों के अपने में 50-50 प्लांट पूरे वर्ल्ड में हैं। तो ये चार हमारे कस्टमर हैं और ये पूरे टायर बिजनेस का करीब 85% मार्केट यही चार कंपनियां, चार ग्रुप मैनेज करते होते हैं। तो हम लोगों ने इस पर शुरू किया, फिर धीरे धीरे करके समस्याएं आईं बीच में। जब आप एक्सपोर्ट के बिजनेस में जाते हो, हम लोग भी उस समय इतना एक्सपोर्ट का बिल्कुल नई चीज़ थी, 90 में जब हमने एक्सपोर्ट प्रारंभ किया बड़े लार्ज स्केल पर, तो हम कोई अपना प्रोडक्ट का 10-15% एक्सपोर्ट कर पा रहे थे। धीरे धीरे एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, हमने क्वालिटी पे ध्यान दिया, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया, अपना सब तरह से प्रोसेस को कंट्रोल किया, एक के बाद एक कस्टमर बढ़ते गए, तो हमारा 90-92% करीब हमने एक्सपोर्ट पर हम आ गए थे करीब 95 के आसपास में। फिर उस समय हम करीब 4000 टन के करीब एक्सपोर्ट करते थे रेयॉन टायर कॉर्ड, इन लोग सारी टायर कंपनीज को। फिर धीरे से कंपटीशन बढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज में प्रेशर शुरू हुआ, तो डॉलर यूरो की, तब तक यूरो भी आ गया, यूरोपियन यूनियन बन गई 90 के बाद से, तो यूरो में ट्रांजेक्शन होने लगा। तो एक समय आया कि करीब 95-96 के पास आते आते फॉरेन एक्सचेंज और वर्ल्ड वाइड मंदी के पीछे 95 से लेकर के करीब 98 तक का पीरियड हमारा बुरा रहा, फाइनेंशियली हमारी प्रॉब्लम रही। फिर 2000 में कस्टमर की फिर रिक्वायरमेंट बन गई, नए स्टैंडर्ड्स आ गए, नए प्रोसीजर्स आ गए, हमने उसको सबको बनाना शुरू किया। उस पीरियड में हमारे को ऑर्डर ज़्यादा होने से या कुछ कारण से हमारी क्वालिटी थोड़ी सी स्लिप कर गई थी। उसका नतीजा था 2006 में हमारा जो लोएस्ट सेल, जो हम करीब 400-500 टन महीने का सेल कर रहे थे, 2006 में 250 टन सेल रह गई थी। एक वर्ल्ड वाइड मंडी थी, दूसरा एक कस्टमर से के अंदर में एक ये विचारधारा थी कि श्रीराम रेंस, बिकॉज रेयॉन टायर कॉर्ड के चार मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड में हैं, दो यूरोप में हैं और दो इंडिया में। तो उस समय 2006 में ये धारणा थी कि श्रीराम रेंस का प्रोडक्ट इन चारों प्रोड्यूसर में सबसे लोएस्ट लेवल पर होता है। हमने उस पर बहुत काम किया पूरे वर्कर्स को, और एक और चीज़ हो गई कि हमने जो 1965 में वर्कर भर्ती किए थे तो वो धीरे धीरे करके आकर के 2006 के आसपास सब 58 के होने लगे और पूरे के पूरे चेंज होने लगे। तो नॉलेज ट्रांसफ़र करना 2006 में हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी, जो नॉलेज हमारे पास है उस नॉलेज को नई जनरेशन में ट्रांसफ़र करना और अपने को इम्प्रूवमेंट करना। सो हमने वो पूरे इंडेक्स किए, सिस्टम्स बनाए, ट्रेनिंग बनाए, और हर एक व्यक्ति के रिटायरमेंट से 3 साल पहले ऑपरेटर इंडेक्स करना शुरू किया थ्रू वर्कर ट्रेनिंग स्कीम से लेकर के, जिनको 3 साल की ट्रेनिंग हम देते रहे, जिससे वो जो एक आदमी रिटायर हो तो उसके बदले में उतना स्किल तो नहीं आएगा लेकिन उसकी जानकारी तो मिल जाए। और सारे हमने सिस्टम बेस्ड उस कंपनी को किया 2006-2008-2009। उसके बाद जब हमने 2008 तक आते आते हमने मार्केट के अंदर में ये रेपुटेशन बना दी थी कस्टमर के बीच में कि श्रीराम रेंस
सबसे कमजोर नहीं है, सबसे मजबूत भी हो सकता है। कस्टमर का सपोर्ट हुआ, हमारे एम्प्लॉयज ने, वर्कर्स ने, सारे लोगों ने, सप्लायर्स, जितने हमारे स्टेक होल्डर हैं, सब हम सब लोगों ने मिलकर के मेहनत करी। उस मेहनत का जो नतीजा ये हुआ कि हम 2010 में से, मैं प्लान देख रहा हूँ, आज 8 वर्ष हो रहे, हो गए मुझे, 2009 से लेकर के हम धीरे धीरे उन्नति करते गए और आज हमने प्रोडक्शन भी बढ़ाया, अपना मार्केट शेयर भी बढ़ाया, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ाई। इसका सब ये कैसे बढ़ी, इसके लिए हमारे सबको, सबकी सक्रिय भागीदारी से, सबके सबके मिल करके, सबके सहयोग से, सारे वर्कर्स के, सबके एकजुट एक टीम के साथ काम करने की भावना को हमने पूर्ण रूप से इस फैक्ट्री के अंदर में जागृत किया। और नतीजा ये हुआ कि सब लोगों ने कंधे से कंधा मिला करके कार्य किया। अब आज हम 97% अपने प्रोडक्ट का, जो पहले 80-85% करते थे, एक आज से 10-12 साल पहले, हमने उसको ही अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करके, सिस्टम इम्प्रूव करके, आज हम 97% जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ कस्टमर को। हमने करीब एक बहुत ही कार्य किए, हमारे सारे वर्कर्स सब लोगों ने मिलकर के हमने एक करीब 22% प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। जो एक स्पिनिंग मशीन हमारी होती है, जिसका हमारा प्रोडक्शन 600-590-500 kg पर साइड होता था, हम सब लोगों ने सारे सिस्टम को, प्रोसीजर को रिव्यू करते हुए, आज हम उसी मशीन से, उसी आदमी से, उसी सिस्टम को स्ट्रेंथन करके रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बनाते हुए, आज जो हम 600-590 kg पर साइट हमारा प्रोडक्शन होता था, आज हम 752 kg उसी मशीन से, हमारा जो कारीगर है वो हमें प्रोडक्शन उससे बेटर क्वालिटी का निकाल के देता है। प्रोडक्टिविटी में हमने बहुत काम किया। नतीजा ये हुआ कि हमको प्रोडक्टिविटी काउंसिल से पिछले 4 वर्षों से लगातार राजस्थान की बेस्ट प्रोडक्टिविटी अवार्ड मिल रहा है। और पिछले 3 वर्षों से हमारे जो 3 वर्कर हैं, एक पहले साल में स्पिनिंग से, दूसरे साल से हमारे टेक्सटाइल से, और इस साल इस्फनबाद एरिया से, 3 वर्कर को राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से श्रम उत्पादकता श्रमिक का, श्रमिक ऑफ राजस्थान स्टेट का के अवार्ड से भी नवाजा गया। हम इन मेहनतों का जो, अगर हम आज आपको बताएं, आज मैं 8 वर्षों पे हेड करते हुए इस प्लांट को, और 25 साल लगातार श्रीरामनंद कोटा में कार्य करते हुए, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट व्यक्ति हूँ। संतुष्ट इस बारे में कि आज मेरे जो प्रोडक्शन कस्टमर हैं उसको उसकी क्वालिटी का माल मिलता है। आज हम वर्ल्ड के अंदर में, जहाँ पर 4 में हम 4th नंबर पे थे, आज नंबर 2 पर हम पिछले 4 वर्षों से श्रीरामनेस नंबर 2 पर रेपुटेशन मैन्युफैक्चरर्स में एंजॉय करता है। आज हम वर्ल्ड में नंबर 2 पे हैं जी। अपना किन किन देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है? हमारा जो जब 4 हमारे बताया, जैसे हमारा पिरेली एक ग्रुप है, इनके 55 प्लांट हैं। तो पिरेली हमारा मैक्सिको में मटेरियल लेता है, पिरेली चाइना में लेता है, पिरेली हमारा लग्जमबर्ग में लेता है, जर्मनी में लेता है, रोमानिया में लेता है। सो इनके वेरियस प्लांट हैं, जहाँ पर भी रेयॉन टायर कॉर्ड बनाते हैं, जो हाई स्पीड हाई परफॉर्मेंस, और पिरेली जो टायर कंपनी है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कार रेस, जिसको फार्मूला रेस कार करते हैं, वो भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हमारे सारे जो प्रोडक्ट है वो फार्मूला रेस कार में लगते हैं। धन्यवाद जेटली साहब। और इसके बाद में ये तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग क्या हुआ, हमने इसके साथ साथ पर्यावरण, समाज, देश, इसके प्रति भी अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वाह किया। मुझे आज ये बताते हुए गर्व होता है कि 2008 में यहाँ पर राजस्थान जो हड़ौती पूरा रेंज है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है मस्टर्ड का होता है, और मस्टर्ड जो होता है उसका जो भूसा होता है उस जानवर भी नहीं खाता। 2008 से पहले ये किसान जो होता था भूसा अपने खेत में जला देता था। नतीजा ये होता था महेश्वरी जी कि किसान को जला करके एक धुआं पर पोल्यूशन करता था, और हम बिजली, हमारा अपना कैप्टिव पावर प्लांट है, हम कोल से बिजली बनाते थे। हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं इसमें एक ऐसा काम किया जाए जिसमें किसानों का भला हो जाए, पर्यावरण में काम हो जाए, और कंपनी को भी 2 पैसे बच जाए। तो हमने एक चैलेंज लिया यहाँ पर अपने सारे साथियों के साथ बैठ करके, और उनको सबको टास्क दिया कि क्या ये पॉसिबल है कोयले को हटा करके मस्टर्ड हट से बिजली बनाई जाए और उसको हम प्रयोग में अपने लें। तो 2008 में हमने एक बॉयलर कन्वर्ट किया था,
फिर 2010 में किया, फिर 2014 में किया, अब मैं अपना अंतिम, अब मैं इस समय 80% कोल को मैं मस्टर्ड हस्क से रिप्लेस कर चुका हूँ। मतलब मैं मस्टर्ड हस्क से, मस्टर्ड के भूसे से मैं बिजली बना रहा हूँ, जिससे मैं रेयॉन फैक्ट्री चलाता हूँ, और जो 20% है उसमें एक और बॉयलर को, उसको चेंज करने का प्लान ले लिया है। नेक्स्ट 9 मंथ के अंदर में, बाई मई के अंदर में, अगले साल में हमारे सारे बॉयलर मस्टर्ड पर हो जाएंगे। इस तरीके से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद में करीब करीब खाली कभी जब बॉयलर बंद करेंगे, शट डाउन लेंगे प्लांट का, उस समय कोल यूज़ करेंगे, वरना कोल का प्रयोग हमने श्रीराम लेंस में पूर्ण रूप से जीरो हमने करने का एक निर्णय। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको एक नए कार्य करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको मदद करें।